नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ, कुल मिलाकर वो नाराज है, कुल मिलाकर हम जीत जाएंगे, कुल मिलाकर वो नहीं आएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज हम अपनी आम बोलचाल में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग आप फॉर्म करते हैं। तो आइए दोस्तों, रूल देखते हैं। रूल होता है, सबसे पहले आता है आपका ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, उसके बाद कॉमा और फिर कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। देखिए, पहला है आपका, कुल मिलाकर वो अच्छी लड़की है, कुल मिलाकर वो अच्छी लड़की है। All in all, she is a good girl. All in all, she is a good girl. कुल मिलाकर हम जीत जाएंगे, कुल मिलाकर हम जीत जाएंगे। All in all, we will win. All in all, we will win. कुल मिलाकर वो काम करेगी, कुल मिलाकर वो काम करेगी। All in all, she will work. All in all, she will work. कुल मिलाकर वो नहीं आएगा, कुल मिलाकर वो नहीं आएगा। All in all, he will not come. All in all, he will not come. कुल मिलाकर वो खुश है, कुल मिलाकर वो खुश है। All in all, he is happy. All in all, he is happy.